नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था क्या स्थिति होगी। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब उम्मीदवार वोट मांगने के लिए जनता के दरवाजे तक पहुंचने लगे हैं। वर्तमान में जीते हुए उम्मीदवार अपने वादों और काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। प्रदेश में चुनाव कराने को लेकर अब राज्य सरकार भी एक्शन के मोड में आ गई है। चुनाव आयोग तैयारियों के साथ ही कोरोना महामारी से बचाव के लिए राज्य में 2,00,000 मतदान कर्मियों को कोरोना किट देने का फैसला किया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कोरोना किट मतदाताओं को मुहैया कराया जाएगा। इस कोरोना किट के साथ साथ अन्य जरूरी सामान मतदान कर्मियों को दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो पंचायत चुनाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और अन्य सामानों की खरीद की जाएगी। यह सभी आवश्यक सामान जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला स्तर पर जिला प्रशासन और सिविल सर्जन की देखरेख में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस किट का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा पंचायत चुनाव को लेकर हर जिले में मेडिकल टीम का भी गठन किया जाएगा। विभाग की ओर से पंचायत चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना संक्रमण के सभी उपाय किए जाने की तैयारी शुरू की गई है। पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि चुनाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करेगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन अब भी विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। चुनाव के दौरान भी विभाग विशेष रूप से डेल्टा प्लस वायरस को लेकर हाई अलर्ट पर रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। इस दिशा की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना की पहली लहर के दौरान पिछले साल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था। आपको यह भी बता दें कि पिछले साल अक्टूबर से नवंबर के बीच में कोरोना के मामलों में कमी आई, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव को लेकर आयोग अभी से ही तैयारी में जुटा हुआ है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में पंचायत चुनाव कराने पर विचार किया जा रहा है। इस बार होने वाले पंचायत चुनाव के बारे में बताया जा रहा है कि करीब 6 करोड़ मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर मतदान कर्मियों के साथ मतदाताओं के लिए भी सभी बूथों पर पानी, साबुन, सैनिटाइजर इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के कारण पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाया था। पंचायत चुनाव समय पर नहीं होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत परामर्शी समिति का गठन कर दिया, लेकिन अब जब दूसरी लहर कमजोर पड़ी है और तो पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदें जग गई है। राज्य निर्वाचन आयोग चाहता है कि तीसरी लहर की आशंका से पहले ही बिहार में पंचायत चुनाव करा लिए जाएं। इस हफ्ते बिहार के सभी जिलों के अंदर ईवीएम भी पहुंचाया जाएगा और पंचायत चुनाव को लेकर सारी प्रक्रिया तेजी से जारी है। ये थी पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।